अच्छा लोकल भी ये इतने प्यारे लगते हैं दुबई के लोग आया एक देखा कितनी खूबसूरत ड्रेस पहनी वेलकम सर चेहरे से पता लगता है बड़ा बैंक बैलेंस है इनका मेरे लिए आए आप सो स्वीट ऑफ यू थैंक यू शुक्रिया सर आपकी मोहब्बत के लिए आप लोग इतने बिजी शहर में इतना कीमती वक्त है आपका उसमें से टाइम निकाल के आप आए हैं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जो लोग पास लेके आए हैं उनका तो बहुत ही ज्यादा धन्यवाद नहीं टिकट का क्या टिकट तो फिर भी मिल जाती है ऑनलाइन आप पैसे डालो पास के लिए कितने जुगाड़ लड़ाने पड़ते हैं मेरे को पता है मैंने सारी जिंदगी जुगाड़ लड़ा के शो देखे हैं क्योंकि आपको इधर फोन करो उधर फोन करो ऑर्गेनाइजर से रिश्तेदार निकालो फिर उसको वापस याद दिलाओ मैंने तेरे लिए ये किया था तब जाके दो पास मिलते वो पिछली रो के नहीं आप पिछली रो वालों को नहीं बोल रहे आप लोग पैसे खर्च करके आए थैंक यू सो मच बड़ा अच्छा सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ये अलग ही दो चार लोग होते पूरे शो में जैसे ये है पता नहीं किस चीज की टेंशन है इसको पता नहीं एक आगे दूसरे काम में क्या बोलता इसी रेडी शेख लोग बैठे हुए इधर देखो इतने अच्छे अच्छा वहां भी खड़े हैं सर आइए आप बैठे नहीं अभी तक कम आइए स्टेज पे आ जाइए आप अरे अरे बहुत प्यारे लगते हैं मैंने देखा है मैडम आप भी बैठ जाइए आ जाइए बहुत प्यारी लग रही सबने देख लिया बैठ जाइए कई बार पता क्या होता है जैसे हमारे लोग है ना ऐसे लाइव शोज के लिए अपनी ना ड्रेसेस बनवा के रखती हैं लेडीज सब फैमिली साथ में बैठी थी फिर जानबूझ के कहेंगी पप्पू कहाँ गया ताकि इनकी ड्रेस कोई देख ले पर बड़ा खूबसूरत शहर है हर कोई बसना चाहता है यहाँ पे आ गया आप अमेरिकन देख लो यूरोपियन देख लो चाइनीज तो चलो हर जगह बस ही जाते हैं कसम से इतने ज्यादा चाइनीज हो गए यहाँ पे तो नहीं कोई आया हुआ नहीं नहीं उसकी वैसे ही आंखें छोटी चाइनीज नहीं हो बड़ा फायदा उठा रहे हैं चाइना के लोग हमारे देश का त्योहार हमारे होते हैं दिवाली हमारी होती है लड़ियां बना बना के वो बेच रहे हैं गणपति हमारे होते हैं हमारे वहां विसर्जन होता है गणपति बनके वहां से आ रहे हैं मैंने तो एक दिन पकड़ा था जब मैंने गणपति जी की आंखें छोटी देखी अच्छा दुबई की एक खासियत मैंने देखी है जब भी आओ ना नई 10-15 बिल्डिंग बनी होती है होता नहीं बाजी और जब भी आओ बुर्ज खलीफा 1.5 फीट लंबा हो गया होता है नहीं मजाक नहीं कर रहा हूं मैं क्या आपका बच्चा बड़ा होता है आपको पता नहीं चलता कि बाहर वाले लोग आके बताते हैं हाँ जी थैंक यू शुक्रिया अच्छा मैंने एक और खबर सुनी कहते दुनिया भर में टोटल जितनी भी जेसीबी मशीन्स हैं उसकी 25% जो है वो सारी दुबई में काम कर रही है 90% जिसने भी जेसीबी का धंधा शुरू किया ना उसका सपना ये होता है मेरी जेसीबी बड़ी हो जाए मैं दुबई में भेजूं इसको पर अच्छा लगता है ये लोग बड़े प्यारे लोग होते हैं बड़ा मोहब्बत देते हैं यहाँ पे और मैंने देखा है इतनी सारी कंस्ट्रक्शन चलती रहती है सारी करी हम ही लोगों ने इंडिया पाकिस्तान नेपाल बांग्लादेश सबने आके ये तो खाली इंजॉय कर रहे हैं पर बहुत अच्छी बात है सर जितना डेवलपमेंट दुबई में देखने को मिलता है बहुत खुशी भी होती है कि हमारे लोगों का भी उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है आप लोगों ने आके यहाँ पे मेहनत की है दिन रात मैंने देखा इतनी प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स है ना बड़ी बड़ी लंबी लंबी बिल्डिंग हर टूरिस्ट आके ना यहाँ पे सर ऊंचा हो जाता है क्योंकि बिल्डिंग इतनी ऊंची है करीब से जाके भी देखो तब भी नहीं पता चलता कौन सी रेजिडेंशियल है कौन सी कमर्शियल है हमारे तो आप लैंड करो ना मुंबई में फ्लाइट अभी 50 फुट ऊपर ही होती वहीं से पता चल जाता है बड़े बड़े कच्चे लटक रहे होते हैं बिल्डिंग में छेद वाली बनियान लटक रही होती है वो देख के हमें आइडिया लगता है कि अच्छा ये रेजिडेंशियल है खूबसूरती हमारे हिंदुस्तान में भी कम नहीं है ऐसी बात नहीं है पर हाँ कभी कभी होता है हम लोग उसको मेंटेन नहीं करते अच्छा मैं कच्चे बनियान की बात से याद आया एक फैक्ट है आप कभी देखना ये जो तार पे कपड़े सूख रहे होते हैं ना उनसे भी आपको पता चलता है कि घर में कितनी जनरेशन रह रही है अगर तार पे एक साथ लंगोट साथ में कच्चा और साथ में VIP फ्रेंची नहीं होती जो यूं करके वो लटक रही हो ना हम समझ जो 3 जनरेशन रह रही है लंगोट दादाजी का कच्चा बाबूजी का फ्रेंची बेटे की और अगर छोटा सा हिस्सा तार पे छूटा रह जाए ना तो ये समझ लेना चाहिए कि एक चौथी जनरेशन भी है घर में जो कच्चे में बिलीव ही नहीं करती
दुबई मॉल देख लो मैं, ओ हो।